हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 उष्मा और ताप का लेक्चर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उष्मा के प्रभाव। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है, गर्मियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मियों में हमको क्या लगता है, गर्मी लगता है, जिस कारण से हल्के या सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हल्के या सफेद रंग के कपड़े होते हैं वह उष्मा को कम अवशोषित करता है, जिसको हमको कम गर्मी लगता है। ओके, इसलिए गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं। और सर्दियों में काले गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो सर्दियों में हमको ठंड लगता है, जिसके कारण काले या गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। क्योंकि जो काले या गहरे रंग के कपड़े होते हैं वह उष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसके कारण हमको सर्दियों के दिनों में कम ठंड लगता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि क्यों गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे दिए क्रियाकलाप द्वारा मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री, एक बर्तन जिसे काले रंग से रंग दिया गया हो, एक चमकदार बर्तन स्टील का, एक मिट्टी का बर्तन। तो सबसे पहले एक काले रंग का बर्तन लेते हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, एक काले रंग का बर्तन लेते हैं, एक सफ़ेद चमकीला बर्तन और एक मिट्टी का बर्तन लेते हैं। विधि, तीनों बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दें। अब इन तीनों बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख देते हैं। अब कुछ समय बाद तीनों बर्तनों के पानी का तापमान थर्मामीटर की मदद से नोट करें। अब कुछ समय के पश्चात क्या है, थर्मामीटर की सहायता से इन तीनों बर्तनों के पानी, काले रंग का बर्तन, सफ़ेद चमकीला बर्तन और मिट्टी का बर्तन, इसके जो पानी का तापमान है उसको नोट करते हैं। किस बर्तन के पानी का तापमान सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा? तो जो काले रंग का बर्तन है उसका जो पानी का तापमान है सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो काले रंग होता है वह उष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसके कारण जो काले रंग का जो बर्तन है उसके जो पानी का तापमान वह अधिक होगा। सफ़ेद चमकीला बर्तन के जो पानी है, जो सफ़ेद चमकीला बर्तन होता है, इस बर्तन की जो सतह होता है क्या होता है, चमकीला होता है, यह भी क्या है, उष्मा को अवशोषित करता है, किंतु इसका जो तापमान है वह काले रंग का बर्तन की तुलना में कम होता है। और जो मिट्टी का बर्तन होता है वह उष्मा को कम अवशोषित करता है, जिसके कारण इसके जो पानी का तापमान होता है वह कम होता है। ओके, चित्र 9, उष्मा का उत्सर्जन व अवशोषण वस्तु के रंग व प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, तो जो उष्मा का जो उत्सर्जन या फिर जो अवशोषण है वह वस्तु के रंग एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पर दिखाया गया जैसे काले रंग का बर्तन, सफ़ेद चमकीला बर्तन और मिट्टी का बर्तन। इसी प्रकार तीनों बर्तनों को किसी ठंडी जगह पर रख दें। ठीक इसी प्रकार इन तीनों बर्तनों को ठंडी जगह पर रख देते हैं। किस बर्तन का तापमान सबसे पहले कम होगा? तो जो मिट्टी का बर्तन है उसका जो पानी का तापमान है वह सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उष्मा का जो प्रवाह होता है वह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और जो पानी का जो विशिष्ट उष्मा होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण जो पानी है वह गर्म तथा ठंडा होने में बहुत समय लेता है, जिसके कारण क्या है, जो मिट्टी का बर्तन का जो पानी का तापमान वह सबसे पहले कम होगा, क्योंकि उसका तापमान क्या है, कम है। आपने देखा कि उष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है। ओके, तो जो उष्मा का जो अवशोषण, उष्मा का अवशोषित होना है, और उष्मा का जो उत्सर्जन, उष्मा किसी पदार्थ में से उष्मा का जो बाहर निकलना है, वह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है वस्तु के ताप पर और दूसरा है वस्तु के रंग तथा उसकी सतह की प्रकृति पर, खुरदुरा या चमकदार। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कल मैंने आप लोगों को CGS के बारे में बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने CGS पद्धति के बारे में बताया था, तो जिसमें मैंने CGS का जो फुल फॉर्म है वह सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकंड बोला था। ओके, तो इसको सुधार लीजिएगा, जो सेंटीग्रेड वह सेंटीमीटर है। ओके, तो CGS का जो फुल फॉर्म होता है वह सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। ओके, तो इसको सुधार लीजिएगा, जो CGS का जो फुल फॉर्म होता है वह सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। ओके, तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है उष्मा के
प्रभाव, जिसे इंग्लिश में हीट अफेक्ट्स भी कहते हैं। ओके, हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख नहीं सकते, किंतु ऊष्मा के प्रभावों को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने दैनिक जीवन में क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा के जो संचरण जाकर मैंने ऊष्मा का जो स्थानांतरण है उसको देख नहीं सकते, किंतु उसके प्रभाव को अवश्य अनुभव ही कर सकते हैं। ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है, जितनी अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना उसका ताप बढ़ता जाएगा और पदार्थ में प्रसार होगा। ओके, तो किसी भी वस्तु को क्या है, ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ता है। जैसे कि एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में क्या लेते हैं हम लोग, पानी लेते हैं। जैसे उस बर्तन को क्या देते हैं हम लोग, ऊष्मा देते हैं, तो उस बर्तन में स्थित जो पानी का तापमान वह बढ़ता है। पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। ओके, तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। जैसे कि हम लोग ने क्या लिया था, बर्तन में पानी लिया था, तो पानी क्या था, द्रव अवस्था में था, किंतु वह क्या है थोड़े देर बाद क्या है, ऊष्मा लेने के कारण क्या होता है, ऊष्मा में परिवर्तित होने लगता है, अर्थात गैस में परिवर्तित होने लगता है, अर्थात पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन संभव है। ओके, पहला है ताप में वृद्धि। क्या आपने कभी सोचा है कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म क्यों हो जाती है? तो जो लोहे की बेंच होता है वह ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है, किंतु जो लकड़ी की बेंच होता है वह ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, जिसके कारण धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म हो जाता है। ओके, नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता, यह विशिष्ट ऊष्मा के कारण होता है। क्यों, हम जान रहे हैं कि जो पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण जो पानी है वह देर से गर्म होता है, वह देर से ठंडा होता है, किंतु जो रेत का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वह कम होता है, जिसके कारण जो रेत है वह दिन के समय जल्द ही गर्म एवं रात या शाम के समय जल्द ही ठंडा हो जाता है। ओके, तो इस कारण से जो नदी किनारे की रेत दिन के समय गर्म लगता है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता। किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करती है तथा उसका ताप बढ़ता है, तो यह स्वाभाविक सी बात है, किसी भी वस्तु को क्या ऊष्मा देते हैं या फिर गर्म करते हैं तो वह ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण उसका ताप में वृद्धि होता है। ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु में से ऊष्मा बाहर निकलती है तथा ताप घटता है, किंतु जो ठंडे होने की स्थिति में है वह क्या होता है, ऊष्मा क्या है उस पदार्थ से बाहर निकलता है, जिसके कारण उसके ताप क्या है घटता है। भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान तापमान तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है, तो अलग अलग पदार्थों वाली जो समान द्रव्यमान वाली वस्तु है उसको समान तापमान तक गर्म करने के लिए अलग अलग मात्राओं में ऊष्मा देना पड़ता है। वस्तु द्वारा ली गई और दी गई ऊष्मा क्यों निम्न बातों पर निर्भर करता है? ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा है और दी गई ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है वस्तु के द्रव्यमान m पर q अल्फा m, दूसरा है वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल टी पर q अल्फा डेल टी, और तीसरा है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर अर्थात q अल्फा m डॉट डेल टी q इक्वल m डॉट s डॉट डेल टी। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो वस्तु द्वारा ली गई और जो दी गई ऊष्मा होता है वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है वस्तु के द्रव्यमान m पर q अल्फा m, दूसरा है वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल टी पर q अल्फा डेल टी, तीसरा है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर अर्थात q अल्फा m डॉट डेल टी q अल्फा q इक्वल m डॉट s डॉट डेल टी, जहां s एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, तो यहां पर जो s है वो क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान वस्तु की प्रकृति अर्थात उसकी द्रव्यमान उसके ताप पर निर्भर करता है। इसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अथवा विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ओके, तो ये जो एस है उसको क्या कहता है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अथवा विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता वह क्या होता है। तो किसी वस्तु की इकाई या एकांक द्रव्यमान का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। ओके, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, तो मान लो कोई भी क्या है, एक वस्तु है, उसकी इकाई या फिर एकांक मतलब क्या है, उसका एक द्रव्यमान का ताप एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने मतलब आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा बदल रहा है उसे ही उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता
कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो विशिष्ट उष्मा या फिर विशिष्ट उष्माधारिता किसे कहते हैं। समीकरण तीन से इज इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल टेल एम डेल टी। ओके, तो इज इक्वल क्यू भागित एम डेल टी, तो यह कैसे आया, तो हमको क्या है इस विशिष्ट उष्मा का या फिर विशिष्ट उष्माधारिता का वैल्यू निकालना है, जिसके कारण क्या है जो एम और जो डेल्टा है वो क्या है यहाँ पास गुणा में है, तो इसको 75 करते हो क्या भागित में चले जाते हैं, जिसके कारण एस इक्वल क्यू भागित एम डेल्टी। ओके, विशिष्ट उष्मा का ईसाई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, और जो विशिष्ट उष्मा का जो ईसाई मात्रक होता है वह जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो क्यू का जो मात्रक होता है वह होता है जूल, और जो एम का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम, और जो ताप का जो मात्रक होता है वह डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो विशिष्ट उष्मा का जो मात्रक होता है वह होगा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये प्रति कहाँ सा है, तो ये प्रति क्या भागित सा है। ओके, तो जो उसमें विशिष्ट उष्मा का जो ईसाई मात्रक होता है वह होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, यदि एम इक्वल वन डेल्टी इक्वल वन हो तो क्यू इक्वल एस। ओके, तो मान लो जो एम इक्वल वन और जो डेल्टी इक्वल वन हो तो क्यू किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा। तो क्यू क्या है एक उष्मा है और एस क्या है विशिष्ट उष्मा, अर्थात पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ की एकांक द्रव्यमान में एकांक द्रव्यमान की वृद्धि कर सके। तो जो पदार्थ की विशिष्ट उष्मा या फिर विशिष्ट उष्माधारिता क्या है, तो वह उष्मा की वह मात्रा होता है जो उस पदार्थ के एकांक मतलब एक द्रव्यमान में एकांक मतलब एक ताप डिग्री की एक डिग्री ताप की वृद्धि कर सके। जिन पदार्थों की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है वे देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं, जैसे कि पानी, पानी का जो विशिष्ट उष्मा होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण वे देर से गर्म होते हैं वह देर से ठंडा होता है। इसी प्रकार कम उष्माधारिता वाले पदार्थ जल्द ही गर्म व जल्द ही ठंडे हो जाते हैं, जैसे कि रेत है, रेत का जो विशिष्ट उष्माधारिता या विशिष्ट उष्मा होता है वह कम होता है, जिसके कारण वह दिन के समय जल्द गर्म और रात के समय जल्द ही ठंडा हो जाता है। ओके, सोचिए यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट उष्माधारिता समान होती तो क्या होता, चर्चा करें। पानी की विशिष्ट उष्मा की तुलना अन्य पदार्थों की विशिष्ट उष्मा से करें। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देखेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, क्या आप बता सकते हैं कि आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों? तो आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो पानी का जो विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्माधारिता वो होता है अधिक होता है। ओके, जब पानी को आग की चिंगारी के ऊपर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, तो उसमें से उष्मा बाहर निकलते हैं, जिसके कारण जो आग है, जो आग की चिंगारी है वह सरलता से बुझ जाता है। इस कारण से जो आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। दूसरा है, यदि 25 ग्राम कापर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.5 जूल 487.5 जूल उष्मा डालनी पड़ती है, तो कापर की जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में व्यक्त विशिष्ट उष्मा क्या होगी? ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हल हम जानते हैं क्यू इक्वल एम एस डॉट डेल्टी। ओके, तो हम जानते हैं कि जो उष्मा इक्वल क्या होता है, क्यू इक्वल क्या होता है, एम एस डॉट डेल्टी, अर्थात जो इसका जो उष्मा का मात्र जो उष्मा का जो मान है कितना है 487.5 जूल इक्वल जो द्रव्यमान है 25 ग्राम गुणा एस गुणा जो ताप है वह 25 डिग्री सेल्सियस से माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 25 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखा गया, क्योंकि जो तापमान है वह 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किया गया था। ओके, तो इसमें से जो 75 में से 25 को क्या है घटाएंगे तो जितना उसका जो वैल्यू बढ़ा है उसको हमको प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसलिए 75 माइनस 25 लिखा गया है। तो 487.5 जूल इक्वल 25 ग्राम गुणा 50 डिग्री सेल्सियस गुणा एस, तो एस इक्वल होता है 487.5 जूल डिवाइडेड बाय 25 ग्राम गुणा 50 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे आया, तो हमको इसका विशिष्ट उष्माधारिता का वैल्यू निकालना है, जिसके कारण इसको यहाँ रखते हैं और जो बाकी ये गुणा है वहाँ पछाता करेंगे तो क्या है भाग में चले जाएगा। इस कारण से इस इक्वल 487.5 जूल भागित 25 ग्राम गुणा 50 डिग्री सेल्सियस लिखा गया। ओके, इक्वल 0.39 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जिसका वैल्यू आ रहा है 0.39 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस
होता है। ओके तो ये कैसे आया, तो 25 को क्या है 50 के साथ गुणा करता है, फिर इसको क्या है 487.5 के साथ भागित करते हैं, तो हमको 0.39 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू प्राप्त होता है। ओके तो हमारा अगला टॉपिक है ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी। ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है ऊष्माधारिता कहलाते हैं। तो ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, तो ऊष्मा की वह मात्रा होता है जो वस्तु के संपूर्ण अर्थात पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही ऊष्माधारिता कहते हैं। ओके तो ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में आप लोग एक बात यह याद रखना कि जो ऊष्माधारिता में क्या है संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, किंतु जो विशिष्ट ऊष्मा होता है उसमें क्या है उसमें क्या होता है इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ओके इसको याद रखना। यदि वस्तु का द्रव्यमान एम तथा विशिष्ट ऊष्मा ए से तब ओके तो मान लो जाए वस्तु का जो द्रव्यमान होगा एम है तथा इसका विशिष्ट ऊष्मा ए से तब ऊष्माधारिता होगा इक्वल द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान किसी दर्शाते हैं एम से विशिष्ट ऊष्मा को ए से, इस कारण से बराबर एम गुणा एस। ऊष्माधारिता की इकाई जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, और जो ऊष्माधारिता का इकाई होता है वह जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण का साम्यता, आपने 2 बाल्टियों में नहाने के लिए पानी ले रखा है जिसमें से 1 बाल्टी का पानी गर्म है वह दूसरे का ठंडा। ओके तो मान लो हमने क्या है 2 बाल्टी नहाने के लिए ले रखा है जिसमें से 1 बाल्टी गर्म है, 1 बाल्टी का पानी गर्म है और दूसरे का ठंडा। दोनों पानी का तापमान क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों पानी का जो तापमान है क्रमशः 80 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस है। अब आप एक तीसरी बाल्टी में 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी मिलाते हैं। अब एक तीसरी बाल्टी लेते हैं जिसमें हम 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी लेते हैं। पानी के इस मिश्रण का ताप क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि इस पानी के जो मिश्रण का जो ताप है वह क्या होगा। यहाँ पर दोनों स्थितियों में पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक ही मात्रा है अर्थात S1=S2=S। ओके तो जो दोनों पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है उसको एक ही मात्रा है, इसके कारण लिखा गया है S1=S2=S। ओके यदि मिश्रण का ताप T मान लिया जाए, तो यदि जो मिश्रण है उसका जो ताप T मान लिया जाए, तो गर्म वस्तु द्वारा दिए गए ऊष्मा इक्वल M1=S1 ताप में कमी। ओके ताप में कमी क्यों है, क्योंकि इसके क्या है गर्म वस्तु, तो गर्म वस्तु क्या है वस्तु उस दूसरे वस्तु को क्या दे रहा है ऊष्मा दे रहा है, जिसके कारण इसके ताप में कमी होगा। गर्म पानी का द्रव्यमान M1 है और T1 उसका प्रारंभिक ताप है, तो इक्वल M1=S1-T। ओके ठंडी वस्तु द्वारा लिए गए ऊष्मा इक्वल M2=H2 ताप में वृद्धि, तो ठंडी वस्तु के द्वारा क्या लिया गया ऊष्मा लिया गया जिसके कारण इसके ताप में वृद्धि होगा, तो इक्वल M2H2-T-T2। ठंडे पानी का द्रव्यमान M2 है और T2 उसका प्रारंभिक ताप है। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार मिश्रण विधि से ले गए ऊष्मा इक्वल दी गई ऊष्मा। ओके तो जो मिश्रण विधि के अनुसार क्या होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार क्या होता है ली गई ऊष्मा किसके बराबर होता है, दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। इसलिए M1=S1-T1-T=M2=S2-T-T2। ओके चूंकि हम जानते हैं कि S1 क्या है S2 के बराबर किसके S के बराबर, तो M1=S(T1-T)=M2=S(T-T2। ओके तो S से आपस में क्या होगा कैंसिल होगा, तो अर्थात साम्य ताप हमको क्या T का वैल्यू निकालना है, तो T इक्वल होता है M1T1+M2T2/M1+M2। ओके तो चलिए ये कैसा है इसको देखते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार क्या है ली गई ऊष्मा क्या है द्रव्य की ऊष्मा के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं M1=S1=T1-T=M2=S2-T2। ओके चूंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं S1=S2 किसके बराबर होता है S के बराबर, इसलिए लिखते हैं यहाँ पास M1=S(T1-T)=M2=S(T-T2। ओके तो यहाँ पर S क्या है आपस में कैंसिल हो गए, तो बचे क्या M1=T1-T=M2=T-T2।
अब चलिए इसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो m1 t1 होगा माइनस m1 t इक्वल m2, यह इसका गुणा क्या है, t माइनस m2 t2। अब जो t वाले पद है उसको एक साथ रखते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं, m1 t1 यहाँ पर क्या है, m2 t2 क्या है माइनस में, यहाँ पर पचहत्तर करेंगे तो आ जाएगा प्लस में, तो m2 t2 इक्वल m2 t, यहाँ पर जो माइनस में क्या है m1 t, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो m1 t, तो m1 t1 प्लस m2 t2 इक्वल किसके बराबर होगा, m1 t प्लस m2 t। ओके तो आप लोगों को समझ आया होगा कैसे है, तो जो m1 t है क्या है, इसको सामने में लिख रहे हैं। ओके यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह धनात्मक है, तो m1 t प्लस m2 t, तो m1 t1 प्लस m2 t2 बराबर, ये दोनों में कॉमन क्या है t, तो t को बाहर निकाल देते हैं, तो t m1 प्लस m2। ओके कैसा है, समझ आएगा ना, तो m1 t और m2 t। ओके तो t में क्या है, कॉमन निकाल देते हैं, तो हमको क्या है मिश्रण का सामान्य तो आप निकालना है, किसका t का वैल्यू निकालना है, तो इस कारण से हमको t को यहाँ पास रख देते हैं, तो m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है m1 प्लस m2 क्या है गुणा में, तो यहाँ पास लाते हैं क्या होता है भागित में आ जाता है, तो m1 प्लस m2 इक्वल t। ओके तो आप लोग t को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, t इक्वल m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि यार कैसे आया। ओके अर्थात साम्यतः t इक्वल m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि यह t इक्वल m1 t1 प्लस m2 t2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कैसे है। ओके अब चलिए इसके जो वैल्यू है, इसके जो मान है उसको रखते हैं, तो हमने क्या है द्रव्यमान को मान ले लिया 1। ओके तो 1 गुणा क्या है 80 प्लस 1 गुणा 20, ऐसे कैसे आएगा, यह क्या है जो गर्म वस्तु है उसका तापमान है और जो 20 है वह ठंडी वस्तु का तापमान है, तो डिवाइडेड बाय द्रव्यमान है इसका 1, द्रव्यमान कितना है 1 है, तो यह होगा 1 प्लस 1, तो 80 का गुणा 1 के साथ करते तो 80 प्राप्त होता है, 20 का गुणा 1 के साथ करते तो 20 प्राप्त होता है, तो 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल 2। ओके तो 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल होता है 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है 100 उसको 2 से क्या है डिवाइड करते हैं, तो हमको 50 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है, अर्थात तो पानी के मिश्रण का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके तो जो पानी के मिश्रण का ताप क्या होगा, तो क्या होगा पानी के इस मिश्रण का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चर्चा करें उपरोक्त समीकरणों में t1 - t तथा t - t2 क्यों लिखा गया। ओके तो चलिए देखते हैं कि इन समीकरणों में क्या है t1 - t तथा t - t2 क्यों लिखा गया। तो चलिए देखते हैं इन समीकरणों में t1 - t तथा t - t2 क्यों लिखा गया। तो जो t1 - t है वह ताप में कमी को दर्शाता है, कैसे तो चलिए देखते हैं, तो जो t1 है क्या है वह गर्म वस्तु द्वारा क्या है, गर्म वस्तु का क्या है प्रारंभिक ताप है, और जो टी है उसमें क्या है उसमें वस्तु द्वारा उसमें क्या है दिया गया वह टी है, तो वस्तु का जो प्रारंभिक ताप है T1 है उसमें से टी को घटाते हैं, तो उस वस्तु में जितना ताप में कमी है उसको हम पता लगा सकते हैं, इस कारण से T1 - T लिखा गया है, और यहाँ पास T - T2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो टी है वह क्या है ठंडी वस्तु के द्वारा लिया गया ऊष्मा, और जो T2 है वह उसका प्रारंभिक ताप है, तो जो वस्तु के द्वारा लिए गए ऊष्मा है उसको प्रारंभिक ताप से घटाते हैं, तो हमको उसका जो वैल्यू उसका जो मान मिल जाता है कि वह ठंडी वस्तु के द्वारा कितना ऊष्मा लिया गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि T1 - T तथा T - T2 क्यों लिखा गया। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।